नमस्कार, आइए आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट आटा चकली। प्योर गेहूं के आटे से बनाएंगे हम, इसमें और कोई आटा मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप ये आटा तैयार करके रख लेते हैं तो ये 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आप, और जब चाहें आप चकली बना के, खस्ता चकली बना के खा सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे की। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि गेहूँ के आटे की चकली हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, कितनी जो भी मात्रा में आप लेंगे, मैं तो उसकी आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ये गेहूं के आटे को हम एक कॉटन के कपड़े पे, चाहे आप कॉटन का सॉफ्ट रुमाल ले लीजिए, बिल्कुल लाइट कलर का होना चाहिए और जिसमें से कलर ना निकले, ऐसा कोई भी सॉफ्ट कपड़ा कॉटन का ले लीजिए। इसमें हम ये आटा सारा ट्रांसफर कर देंगे। हमें इसकी पोटली बनानी है। अभी हम इसमें नमक, तेल, घी कुछ भी नहीं मिला रहे हैं। हमें प्लेन आटे को इस तरह से कॉटन के कपड़े पे रख के पोटली बनानी है। आटे की क्वांटिटी आप अपने को, आपको जितनी चकली बनानी है उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी पोटली बना के तैयार कर लीजिए। और अब हम इसे कोई भी, जिस कुकर में आप इसको स्टीम करेंगे आटे को, उसमें आपको जो बर्तन जिस साइज का आ जाए वो बर्तन लीजिए। थोड़ा भारी तले का होना चाहिए। उसमें हम इसको ऐसे रख देंगे और कुकर में अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें उतना ही रखना है जैसे हम इडली स्टीम करते हैं, उस समय पानी जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है। अब हम इसमें इस भगोने को रख देंगे और कुकर का ढक्कन लगा, गैस पे करीब हमें इसे 12 से 15 सीटी देनी है, तभी ये आटा बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा। गैस से उतारने के बाद हम कुकर को सिर्फ 5 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टीम कुकर में ही इस तरह से सीटी लगा के करिए, आप सामान्य बर्तन में भी कर सकते हैं। उसमें आपको करीब 10 से 12 मिनट इसको बिल्कुल धीमी आंच पर स्टीम करना है। तो ये देखिए, इस तरह से स्टीम हो जाता है। अब हम इस पोटली को निकाल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गया है, ये ध्यान रखिए। आप ऊंचा बर्तन लीजिए, थोड़ा पानी अंदर ना जा पाए पोटली में। तो ये देखिए, बिल्कुल सूखी है। अब हम इसको निकाल के अलग रख लेंगे। इस तरह से कोई ऊंचा बर्तन लीजिए और पानी उतना ही रखिए कि इसके अंदर ना जाए, अगर आप कुकर में स्टीम कर रहे हैं। और अगर भगोने में कर रहे हैं तो भी आपको यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। हमें इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, पोटली को थोड़ा गरम गरम ही खोलना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से स्टीम हो जाता है। ये थोड़ा सा कड़क हो गया है अभी। अब हम इसको किसी पत्थर या उसकी सहायता से हल्का हल्का फोड़ लेंगे। ये देखिए, इजीली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। और इसको ऐसे वापस आटे के रूप में, हम खिले खिले आटे के रूप में इसको वापस ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल आटे जैसा हो गया ये। अब हम इसको आटे की छन्नी से एक बार छानेंगे, जिससे कि इसमें जो थोड़ी सी गठान है वो भी, और बाद में हम उन्हें भी वापस इस तरह से फोड़ फोड़ के वापस आटे जैसा कर लेंगे।
इस तरह से हम छानते जाएंगे तो ये देखिए कितना स्मूथ फाइन आटा हो गया बिल्कुल। और ये जो थोड़ी सी इस तरह से निकल रहा है इसको भी हम वापस मैश करके इसमें ऐसे छान देंगे। इस तरह से हमें सारा आटा छानना है। आटा छन के तैयार है तो ये देखिए कितना फाइन आटा हो गया है। और अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में भर के करीब एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको स्टोर करके और जब चाहें जिस फ्लेवर में चाहें चकली बना के खा सकते हैं। तो अब आइए हम बनाते हैं इस आटे से खस्ता चकली। अब हम चकली का डो लगाएंगे तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियां और अदरक। हम लहसुन अदरक और मिर्ची फ्लेवर की चकली बना रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सर में पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमें बिल्कुल स्मूथ पीसना है, बहुत बारीक। इस पेस्ट को हम जो हमने आटा छाना था उसमें मिक्स कर देंगे। ये करीब 400 ग्राम आटा मैंने लिया है, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये थोड़ी सी हींग, करीब हाफ टेबल स्पून, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप कम भी कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक 4 टेबल स्पून, मोयन 1/2 सी, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और ये करीब 3 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद तिल, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारे मसाले इसमें कम्प्लीटली मिल गए हैं। अब हम इसे हल्के पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगाएंगे, गूंदते जाएंगे। तो इस तरह से सादा पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और गूंदते जाइए। तो ये देखिए चकली के लिए डो तैयार है। अब हम बनाएंगे चकली, हमें इस तरह का सॉफ्ट डो लगाना है। अगर आप इस तरह का चकली मेकर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जिस पोर्शन में चकली मेकर के डो ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल ग्रीस कर दीजिए। अब हम इस चकली की जाली को इस तरह से इसमें और यहां से चूड़ियां ऐसे कस देंगे। इसको बहुत अच्छे से कस के लगा लीजिए वरना ये ऑयल में गिर जाएगा। अब हम इसमें इस तरह से डो ट्रांसफर करेंगे
बस इतना ही डो हम इसमें भरेंगे और इसको इस तरह से ऊपर से भी पैक इसकी चूड़ी कस देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें डो भर के मशीन तैयार है। अब हम इसकी चकली बनाएंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसे गरम कर लिया है। चेक करते हैं हम कितना गरम हुआ, क्योंकि इसमें हमें इसे ज़्यादा गरम ऑयल नहीं लेना है, तेज गरम नहीं लेंगे हम। तो ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें चकली ट्रांसफर करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बहुत तेज फ्लेम पे मत करिए और बिल्कुल धीमी पे भी मत करिए। जब ये थोड़ी इस तरह की हल्की ब्राउन हो जाएगी तब हम गैस थोड़ी सी तेज कर देंगे और अब हम इसे फुल फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। जब तक एक गुलाबी लेयर ना आ जाए चकली को पलटिएगा मत। तो ये देखिए ये काफ़ी सिक्के कड़क हो चुकी है, अब हम इसे पलट सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा ऐसे ब्राउन करेंगे। चकली बहुत अच्छे से सिक चुकी है, हम गैस को सिम कर देंगे अब और चकली को निकाल लेंगे। देखिए तिल्ली का फ्लेवर कितना अच्छा दिख रहा है लुकिंग में भी, और लहसुन और हरी मिर्च अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म खस्ता चकली, वो भी बिल्कुल प्योर गेहूं के आटे की। देखिए कितनी खस्ता चकली बनी है, प्योर आटे की खस्ता चकली। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। नमस्कार।